जय श्री श्याम दोस्तों, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए जब भी जाते हैं तो आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो खाटू श्याम जी के वहाँ से अगर मिल जाती है तो आप पर भी बाबा श्याम की जो है कृपा बनी रहेगी और आप भी मालामाल हो जाएंगे। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राजस्थान के सीकर से 45 किलोमीटर की दूरी पर और जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर खाटू श्याम जी का मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। खाटू श्याम जी का फागुन में मेला भी लगता है जहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त आते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा श्याम के यहाँ पर जब भी आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको आते समय अपने साथ ले आनी है जिससे कि बाबा श्याम की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों पहली चीज़ है बाबा श्याम के यहाँ की प्रसाद। दोस्तों बाबा श्याम को जो है वो चूरमा, लड्डू, पंचमेवे और पेड़ा इन सभी का जो है वो प्रसाद का भोग लगता है। तो दोस्तों बाबा श्याम के यहाँ की प्रसाद जरूर लेकर आइएगा और उस प्रसाद को जो है अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों में जरूर बांटिएगा जिससे कि बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। तो दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो है खाटू श्याम बाबा के यहाँ का जल। आप खाटू श्याम कुंड का जल भी अपने साथ लेकर आ सकते हैं और उस जल से जो है अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना दोस्तों, जिससे कि जितनी भी नेगेटिव जो चीज़ें होती है वो सभी दूर हो जाएगी और बाबा श्याम की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों उस जल का आप नहाने में भी यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ से जल भर कर ले आइएगा और थोड़ा थोड़ा जो है वो अपने नहाने जब आप नहाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा जल नहाने में यूज़ कीजिए जिससे कि शरीर की जितनी भी परेशानी होगी वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी बाबा श्याम की कृपा से। दोस्तों बाबा श्याम को जो है वो इत्र बहुत पसंद है, तो आप वहाँ से जो इत्र ला सकते हैं और अपने जो है पूजा घर में इत्र को रखिए और बाबा श्याम के जो है वो इत्र आप रोज़ लगा सकते हैं जिससे कि बाबा श्याम की कृपा आप पर सदैव बना रहेगी। तो दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है खाटू श्याम जी के यहाँ की मिट्टी। तो दोस्तों आप खाटू श्याम जी के वहाँ की जो मिट्टी अपने साथ लेकर आ सकते हैं और जो अपने तुलसी मैया का जो पौधा होता है आप उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि बाबा श्याम को जो तुलसी जी काफ़ी प्रिय होती है। तो आप बाबा श्याम जी के वहाँ पर तुलसी मैया के पौधे में वहाँ की मिट्टी डाल दीजिएगा जिससे कि बाबा श्याम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आप पर बाबा श्याम की कृपा सदैव बना रहेगी। तो दोस्तों आखिरी जो चीज़ है वो है बाबा श्याम को जो काफ़ी प्रिय है वो है मोर पंख। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम को जो है मोर पंख काफ़ी प्रिय है, तो आप खाटू श्याम जी में जब भी जाइएगा तो मोर पंख अपने साथ लेकर आ सकते हैं और अपने पूजा घर के वहाँ पर रह सकते हैं। दोस्तों मोर पंख अगर घर में रहेगा तो उससे जो है सारी परेशानियाँ जो दूर होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए आप जब भी जाते हैं बाबा श्याम के दर्शनों के लिए तो आप खाटू श्याम जी से दर्शन करते समय वापस आते हैं तो आपको ये 5 चीज़ें ज़रूर अपने साथ लेकर आनी है जिससे कि खाटू श्याम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप पर जो है बाबा श्याम की सदैव ही आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री श्याम।